एवरीवन, कैसे हैं आप सब जरूर बताइएगा। तो आज है सैटरडे और दोपहर के बजने वाले हैं 12 बज ही गए हैं मतलब। तो आज जो मैं अपना व्लॉग है वो इस टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह के जो जितने भी काम होते हैं ना वो सारे हो चुके हैं। लंच बनाने आई हूँ और लंच में आज बन रहा है राजमा चावल। राजमा बने हुए काफी टाइम हो गया था तो छुट्टी का दिन था तो सोचा आज राजमा बना लेते हैं। चावल वगैरह मैंने भिगो कर रख दिए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है चॉपिंग कर लूँगी। तो चॉपिंग के लिए मैंने टमाटर प्याज वगैरह जो भी लगने वाला है वो सब यहाँ पर ले लिया है। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं अपने जो मॉर्निंग के यूटेंसिल क्लीन किए हुए हैं उनको उनके प्लेस पर रख दूँगी जिससे कि मेरा जो है खाना बनने के बाद काम थोड़ा ईजी हो जाए। और यहाँ पर बस अदरक वगैरह और जो भी टमाटर प्याज है वो सब मैं चॉपर में चॉप करूँगी क्योंकि इसमें जो है फाइनली चॉप हो जाती हैं और काफ़ी आसान हो जाता है फिर कोई भी डिश बनाना। इतनी फाइन जो है आप हैंड से जो है कट नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर बस चॉपर से चॉप कर लूँगी। और इसके साथ ही साथ ना मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ढाबे वाली जो प्याज होती ना, जैसे आपने कभी भी ढाबे पर खाना खाया होगा तो उस स्टाइल की जो प्याज है वो मैं उसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उससे पहले जो है जो मेरा काउंटर है उसे क्लीन कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने ली है अनियन, आपको अनियन लेनी है और जिस भी शेप में चाहें आप लंबी लंबी जो है बारीक काटना चाहें तो बारीक काट सकते हैं और अगर आप गोल काटना चाहें तो गोल काट सकते हैं। तो मुझे तो जो है पतली पतली लंबी लंबी अनियन कटी हुई जो है ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मैं तो बस उसी शेप में से यहाँ पर कट कर रही हूँ। और कट करने के बाद इसको जो है आपको थोड़ी देर जो है ना पानी में भिगो कर छोड़ देना है। जब तक जो अनियन है पानी में अच्छी तरह मैंने भिगो कर रख दी थी तो तब तक थोड़े से जो है बर्तन वगैरह थे उन्हें यहाँ पर क्लीन कर दूँगी। तो कांच के और सेरामिक के बाउल थे तो वो सही रहता है कि पहले उन्हें जो है हाथ के हाथ क्लीन कर दो नहीं तो फिर टूटने वगैरह का डर रहता है। तो प्याज भी यहाँ पर जो है तब तक अच्छे से पानी में भीग चुकी थी, अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी और इसका जो है सारा पानी निकाल दूँगी। तो इससे क्या होता है कि प्याज में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आती है, आप खाते हैं तब भी आपके मतलब मुंह से भी कोई बदबू नहीं आती है। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ काला नमक, उसके बाद डाला है चाट मसाला और इसमें थोड़ा सी ऐड करनी है आपको जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो, और सबसे बाद में ऐड करना है आपको नींबू। और इसे जो है सबको मिक्स करके आपको जो है खाने से जो है 2 से 3 मिनट पहले इसको तैयार करके रख लेना है। तो ये जो ना इसमें लेमन और जो भी आपने मतलब चाट मसाला डाला है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा घर पर, आपको पसंद आएगी। तो बस साथ ही साथ यहाँ पर जब राजमा बन रहा है तो राजमा के साथ जो है जीरे वाले चावल तो बनते ही हैं, वो ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं राजमा के साथ। और साथ ही साथ बन रही है छाछ। तो जब से गर्मियां शुरू हुई हैं हम मोस्टली कोशिश यही करते हैं कि दोपहर के खाने में जो है छाछ ली जाए। और यहाँ पर देखिए मेरे जो राजमा का मसाला है वो भी रेडी हो चुका है, बट पता नहीं ये राजमा कैसा था, मतलब मैंने इसे इतना उबाला मतलब छोंकने के बाद भी जो थोड़ा कच्चा लग रहा था मैंने फिर भी उबाला, बट ये ना मतलब गल के ही नहीं दिया और मतलब खाने का टेस्ट पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। अभी है शाम के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम
तो मैंने सबसे पहले उठ के जो है थोड़ी सी नैप ली थी, तो उसके बाद उठने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने अपने कुछ प्लांट्स जो हैं बाहर रखे थे तो उन्हें भी अंदर लाकर रख रही हूँ क्योंकि गर्मी में जो है ना बाहर सारे मुरझाए मुरझाए हो रहे थे। और अभी जो है बनने वाला है शाम में मैंगो शेक, क्योंकि किसी का भी मन नहीं था चाय पीने का, ना मेरा ना मेरे हस्बैंड का, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो फिर सोचा कि चलो मैंगो शेक ही बना लेते हैं, डुग्गू को भी काफ़ी पसंद है मैंगो शेक, तो बस वही यहाँ पर जो है मैं मैंगो शेक अपने और सबके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जो है ना उतना आराम भी नहीं मिलता, छुट्टी कहने के लिए सिर्फ हस्बैंड के और बच्चों के लिए होती है, बट हाउस वाइफ के लिए तो छुट्टी होती ही नहीं है। तो छुट्टी वाले दिन तो मुझे ऐसा लगता है और एक्स्ट्रा काम हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जो है खाने की चीज़ें की फरमाइश से अलग होती हैं कि आज छुट्टी है तो आज ये बना लो आज ये बना लो। तो बस सब आई होप कि सभी ऐसा ही करते हैं और सबका जो है वीकेंड इसी तरह से जाता होगा खाने पीने में ही। तो यहाँ पर जो है मैंगो शेक बन गया था और अभी मुझे जो है डुब्बू का होमवर्क कराना था, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो होमवर्क करने के लिए बैठता है। मैंने कहा ना कि मैंगो शेक है तो वो मतलब खुशी खुशी बैठ गया वहाँ पर, मैंगो शेक पीते पीते उसने जो है अपना होमवर्क करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। बच्चों को भी ना कई बार जो है लालच देना होता है उनसे जो है होमवर्क वगैरह कराने में, यही लगता है कि छुट्टी है तो कल कर लेंगे, डुग्गू का भी यही बहाने होते हैं कि कल छुट्टी है कल कर लूँगा, लेकिन मैंने आज उसे लेकर ही बैठी थी कि नहीं आज तो करना ही है। जब तक डुग्गू जो है स्टडी कर रहा था वो अपना होमवर्क कर रहा था, तब तक मैं जो है थोड़ा घर को समेट लेती हूँ क्योंकि डुग्गू ने अपने टॉय वगैरह सब इधर उधर फैला कर रखे छोड़े हुए थे, तो वही सब यहाँ पर जो है मैं क्लीन कर रही हूँ। साथ ही साथ डुग्गू जो कुछ पूछ रहा है बीच बीच में वो भी बता रही हूँ। और जब डुग्गू की जो है सारी स्टडी कंप्लीट हो गई तो मैंने देखा कि जो उसकी बुक जहाँ पर मैं रखती हूँ उसका बैग, तो वो अलमारी जो है ना उसने मतलब इतनी गंदी कर रखी थी ना, उसमें मतलब वो जो कुछ भी पेपर निकालता है ऐसे कैसे ही भर देता है। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो लगे हाथ मैंने सोचा कि चलो इसकी जो ये वाली कबर्ड है इसे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि क्लीन अगर होता है ना तो मतलब खुद को भी अच्छा लगता है और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो इजीली मिल भी जाती है। नहीं तो क्या होता है कि अगर ऐसे ही सामान भरा हुआ हो तो चीज़ें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं बस यहाँ पर वही डुग्गू की कैबिनेट को इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और इसमें मतलब मोस्टली क्या इसमें मतलब डुग्गू का ही सामान होता है, जैसे उसके कलर्स हो गए, पेंसिल हो गई, बैग हो गया, उसकी बुक्स वगैरह हो गई, आर्ट बुक हो गई, उसे कलर करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो वो सब यहीं पर रखी रहती हैं। तो मैं बस जो है कपड़ा वगैरह लाकर इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और उसके सारे सामान को जिस तरह से भी मतलब अरेंज करना है वो अरेंज करके यहाँ पर रख दूँगी। बस यहाँ पर डुग्गू की जो कैबिनेट है वो भी क्लीन हो गई और मतलब टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा और मेरी जो घर की एक चीज़ है वो अच्छे से अरेंज हो गई। तो अब मैं जब भी इसे खोलूँगी ना तो मुझे इसे देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैंने डुग्गू को भी यही बताया कि देखो बेटा मम्मी ने ये क्लीन की है ना तो इसको ऐसे ही अरेंज करके रखना है, तो वो समझ गया और वो कुछ भी अगर बुक वगैरह निकालता है तो वो काफ़ी अच्छे से जो है इसमें लौटाकर वहीं रख देता है। तो बच्चों को ये बातें बतानी बहुत ज़रूरी होती है कि मम्मी ने ऐसे क्लीन किया है तो आपको इसे जो है इसी तरह से रखना है, तो बच्चे धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें सीखने लगते हैं।
तो अभी हो गया था शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ यहाँ पर जो है अपने कपड़े सारे बाहर से लेकर आ गई हूँ इन्हें फोल्ड करने के लिए। और आज जो है 2 से 3 दिन बाद मेरे जो है कपड़े वॉश हुए थे, क्योंकि डेली मशीन नहीं लगती है, इतने कपड़े नहीं होते हैं समर में। तो 2 से 3 दिन के ये कपड़े थे तो काफ़ी सारे थे, तो इन्हें बस मैं फोल्ड करके इनके प्लेस पर रख दूंगी और उसके बाद अपने शाम के काम करूंगी। वगैरह हो गए थे सारे अरेंज, सबको जो है उनके प्लेस पर रख दिया था। और अब यहाँ पर जो है मैं जो है प्लांट्स में पानी देने आ गई हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना, तो मतलब प्लांट्स में दोनों टाइम ही पानी देना पड़ रहा है, नहीं तो शाम तक तो बेचारे ये मुरझा जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं जो है बस कोशिश करती हूँ कि दोनों टाइम इन्हें जो है पानी दे पाऊँ। और जब मैं पानी देकर आई तो डुग्गू को मखाने खाने थे, तो उसे मैं मखाने देकर आ रही हूँ। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे थोड़ी सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने, तो वही सब यहाँ पर ला कर रखी है। तो अब मैंने जो है पहले पोलोथीन से निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि ये सबसे पहला काम होता है। मतलब सारी जितनी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आप लेकर आओ ना, उन्हें जो है सेपरेट करके रखना और उन्हें जो है वॉश करके रखना। तो अगर मैंने अभी वॉश करके रख दूँगी तो ये जो है सुबह तक अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, फिर इन्हें जो है ना मैं फ्रिज में अरेंज कर दूँगी। और अगर गीली गीली रखो ना फ्रिज में तो सब्ज़ियाँ जो है ना ख़राब होने का डर रहता है, और वो जल्दी ख़राब हो भी जाती हैं। तो वही सब यहाँ पर कर रही हूँ बस मैं। और इन सब्जियों को तो मैंने जो है अलग अलग करके रख दिया था, तो उससे पहले मुझे बनाना था डिनर, तो वह यहाँ पर जो है डिनर बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज डिनर में बन रही थी अरबी और तुरई की सब्जी, दोनों को मिक्स करके इसकी सब्जी बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। और अगर इसमें आप लेमन डालकर खाओ ना तो इसका टेस्ट जो है ना दोगुना हो जाता है। तो वही सब मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, और कट होने के बाद मैं बना लूँगी सब्जी, और उसके बाद मैं जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आए हैं उन्हें वॉश करके रख दूँगी। सैटरडे संडे का दिन मेरा तो थोड़ा सा बिजी ही जाता है, क्योंकि मोस्टली इसी दिन जो है घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, तो उस दिन जो है ना सबको वॉश करना, अरेंज करके रखना, ये सब काम लगा रहता है। और आप सब बताइएगा कि आपका सैटरडे संडे वीक डेज से बिजी रहता है या उस दिन आपका काम जो है थोड़ा हल्का रहता है। तो यहाँ पर जो है मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी है, तो शाम में डुग्गू और मैं ही बस डिनर करते हैं, तो 4 या 5 रोटी जो है घर में बनती हैं। तो वही सब यहाँ पर बनकर रेडी हो गई हैं, और अब डुग्गू और मैं करेंगे डिनर, और उसके बाद जो मेरे और काम है वो मैं जो है करने पे लग जाऊँगी। तो ये बनी है सब्जी अरबी और तुरई की, और मैं अपनी वाली सब्जी में थोड़ा सा जो है नींबू डाल रही हूँ, इससे जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। वगैरह हो गया था तो नंबर आ जाता है अब जो है काउंटर टॉप को क्लीन करने का, गैस स्टोव को क्लीन करने का। तो रात में जो है शाम आते आते थोड़ी जो है थकावट तो हो जाती है, बट मतलब इसको क्लीन करना मेरी प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि अगर इसे क्लीन नहीं करूँगी तो जो है किचन में कॉकरोच वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मेरी किचन में मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने एक भी कॉकरोच नहीं देखा है अपनी किचन में, तो टच वुड, क्योंकि मैं कभी भी अपनी किचन को जो है गंदा छोड़कर नहीं सोती हूँ, क्योंकि अगर आप आटा वगैरह या कुछ भी ऐसा छोड़कर ऐसे ही सो जाते हैं तो कॉकरोच होने का डर रहता है। तो मेरी किचन जो है मैं कोशिश करती हूँ हमेशा, चाहे कितनी भी थकी हुई हूँ, लेकिन किचन को जो है हमेशा क्लीन कर कर ही सोने की मैं जो है मैंने आदत बना रखी है।
तो यहाँ पर बस कुछ सामान वॉश किया था, जब जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया दोपहर में, तो कांच और सेरामिक के कुछ बाउल थे, तो बस उनमें कुछ सामान अरेंज करके यहाँ पर रख रही हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि अगर मैं ये अभी नहीं रखूँगी तो सुबह के लिए मेरा जो है काम बढ़ जाएगा, तो अभी करके रख देती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने जो वेजिटेबल्स और फ्रूट वॉश करके रखे थे ना, तो उस वेजिटेबल्स में मैं करेले भी लेकर आई थी, तो मुझे करेले भी कट करने थे, क्योंकि अगर उन्हें रात को ऐसा ही छोड़ दूंगी ना तो वो सुबह तक जो है पक जाएंगे। तो उस सारे फ्रूट्स जो है अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो मैं बस जो भी फ्रिज में रखना है वो फ्रिज में यहाँ पर अरेंज करके रख रही हूँ, और जो मुझे करेले जैसे कट करने हैं तो वो मैंने अभी बाहर ही छोड़ दिए हैं। किचन का सारा काम हो चुका था ख़त्म, और अब यहाँ पर मुझे डुग्गू को सुलाना था, बट मैंने उससे पहले सोचा कि इन करेलों को जो है ना बीच में से कट करके रख देती हूँ, नहीं तो ये सुबह तक जो है पक जाएंगे और मेरे जो पैसे हैं ना वो ख़राब ही चले जाएंगे। तो करेले की सब्ज़ी जो है ना हमारे घर में गर्मियों में हमेशा रहती ही है, क्योंकि आप इसे जो है ना अचार की तरह भी खा सकते हैं, और ये काफ़ी जो है मतलब अच्छी भी रहती है हेल्थ के लिए। तो बस यही सब यहाँ पर कट कर रही हूँ और फिर इन्हें फ्रिज में रख दूंगी। तो गाइज़ बस यही थी मेरी आज की वीडियो, मेरा सैटरडे का दिन कि मेरा दिन कैसे जाता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।